हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज सैटरडे का दिन है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। तो हम आज निकले हैं, एक हमारे जो पेरिस है उससे 95 किलोमीटर की ड्राइव पर एक कैसल मौजूद है, तो काफ़ी पुराना 11th सेंचुरी का कैसल है। तो वहाँ पर आज हम निकले हैं। मैंने कहा चले आज क्यों ना उसको डिस्कवर किया जाए, उधर देखा जाए क्या। सुना है मैंने काफ़ी लोगों से कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वहाँ पर आपको आर्किटेक्चर जो है 11th सेंचुरी का देखने को मिलता है। तो मैंने कहा चले आज वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और साथ मौसम का जो है वो मज़ा लेते हैं। पहुंच गए हैं कैसल पे और यहाँ पे ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ कैसल, क्योंकि ये उस दौर के अंदर जिस दौर में बनाया गया था उस वक्त ये जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंगें लगी हुई थी फ्रांस और यूके के दरमियान, तो इस वजह से इसको सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाया गया था। यहाँ से नीचे जो सिटी है उसका पूरा व्यू नज़र आता है। किंग रिचर्ड, उसको दो किंग रिचर्ड दी लाइन हार्ट कहा कर करते थे यूके में। अब उसको पता नहीं क्यों लाइन हार्ट क्यों कहते थे, ये तो उनको ही बेहतर पता होगा, लेकिन ये किंग जो रिचर्ड था उसने बनवाया था यहाँ पर और वो उसने इसको एक साल के अंदर कंप्लीट करवाया था। ये उस वक्त एक नामुमकिन सी बात समझी जाती थी। आप देखें ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बग़ैर मशीनों के और बग़ैर आज के दौर में भी अगर हम ऐसा कुछ बनाना चाहें तो हम एक साल में नहीं बना सकते, हालांकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इतना ज़्यादा जो है वो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है कंस्ट्रक्शन में। तो आज की जो दौर है उसके अंदर भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, एक इतना बड़ा कैसल आप एक साल में नहीं बना सकते। तो आप सोचें उस वक्त जो लोग थे, उस वक्त के लोग, उन्होंने ये हाथों से, ये गालिबन ये जिस वक्त बना है उस वक्त 1196 के अंदर, यानी कि 11th सेंचुरी के अंदर, इसको तकरीबन 1000 साल होने वाले हैं। तो ये उस वक्त आप देखें कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर हाथों से बनाया गया है और वो भी एक साल के अंदर। तो ये एक उस वक्त मैं कहूँगा कि ये एक उस वक्त का वंडर ही है उस टाइम का। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, देखने के लायक जगह है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आएँ, बहुत प्यारी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, रोड की एक्सेस है। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर आपको यूरोप में हर जगह रोड की जो है वो एक्सेस मिलेगी आपको, और तकरीबन यहाँ पे हर जगह आपको गाड़ी पे जाने की एक्सेस होती है, रोड बने हुए हैं, तो आप इजीली आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आए हुए, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, ऑलरेडी बच्चों के साथ लोग आए हुए हैं आज, क्योंकि अब सनी डे है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम है, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो फ्रांस और फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये कंट्रीज़ यूरोप के ऐसे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो गर्मियाँ देखने आते हैं यहाँ की। तो आप भी आएँ, यहाँ पर ज़रूर आएँ और फैमिली के साथ इंजॉय करें।
ये देखें जिस वक्त फ्रेंच आर्मीज ने इस कैसल के ऊपर अपना कब्ज़ा किया था, उन्होंने इसको बाद में चल के जेल में तब्दील कर दिया था। उस वक्त जंगी जो कैदी थे, जो जिनको प्रिजनर बनाया गया था यहाँ पर, तो उनको जेल के अंदर रखा गया था। ये दरवाज़ा मुझे लगता है उस वक्त का जेल का ही दरवाज़ा है। ये आगे यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, शायद इन्होंने बंद किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये दरवाज़ा, मुझे लगता है ये उसी टाइम का ही दरवाज़ा है जो ये डोर लगा हुआ है। मुझे तो जेल का ही डोर लग रहा है, ऐसा जेल का ही डोर होता था। तो ये टूट गया है सारा, टूट गया नहीं, इन्होंने खुद ये तोड़ा है उस वक्त। मतलब अभी की जो गवर्नमेंट है उसने नहीं, उस वक्त जो इनका के फ्रांस का जो फ्रेंच किंग फिलिप था उसने ये जो है ये तोड़ा था। देखें कितना प्यारा व्यू है यहाँ से सिटी का। आप देखें नीचे पूरा सिटी, ये जो सामने आपको ये जो नहर सी नज़र आ रही है, ये असल में नहर नहीं है, ये है, ये रिवर है यहाँ का, फ्रांस का बहुत फेमस सेन नाम है इसका। यही जो दरिया है ये सीधा पेरिस को भी टच करता है, ये पेरिस में भी जाता है, ये दरिया सेन है। ये डायरेक्ट इन्होंने समुद्र से जो है वो निकाला हुआ है। और ये देखेंगे काफ़ी हाइट पर है हम लोग, यहाँ से पूरा सिटी का व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है। साथ ये इधर जो है वो कैसल का बहुत प्यारा व्यू है। जो ड्रोन है वो लॉस्ट हो गया है, ड्रोन घूम गया है मेरा। और वो ऐसे कि मैं बस ड्रोन यहाँ पे फ्लाई किया है मैंने, तो बस मुझे ध्यान नहीं रहा, आगे जो है वो ऑब्स्टिकल थी कुछ, तो वो उसके साथ जो है वो लग के तो गिर गया। ये जो मेरे पीछे जो दीवार नज़र आ रही है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे। ये जो सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो दीवार टूटी हुई है, इसके ऊपर ये जो झाड़ियाँ सी हैं इसके ऊपर जाके वो फंस गया। और इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है ऊपर, मैं देख रहा था कि शायद कोई रास्ता नज़र आ जाए जिधर से ऊपर चढ़ सकें, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहा है ड्रोन, लेकिन वो ऐसी जगह फंसा हुआ है कि वो फ्लाई नहीं कर सकता, और वो जो ये जो झाड़ियाँ उनके अंदर फंस गया जाकर। तो आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा था, और क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। बस एक जो हमारे साथ ट्रेजिडी हो गई, वो जो ड्रोन मेरा क्रैश हो गया, उसकी वजह से मुझे ड्रोन नहीं मिला, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सैड हूँ और थोड़ा सा जो है वो मुझे सैडनेस है, लेकिन चलें कोई नहीं, वो बाकी जो है अब क्या कर सकते हैं, वही जो पहले मैंने आपको बात कही थी, जो नुकसान होना होता है वो तो हो गया। लेकिन ओवरऑल दिन बहुत अच्छा था, अगर ये ट्रेजेडी ना होती तो बहुत मज़ा आता। अभी जो है सनसेट हो रहा, तो सनसेट की जो है वीडियो मैं चाहता था ड्रोन के साथ लूँ, कुछ ड्रोन के शॉर्ट्स लिए जाते, बड़े प्यारे शॉर्ट्स आने थे, तो और ज़्यादा
मज़ा आता हो आपको भी देखने का। तो लेकिन सैडली अब वो मैं नहीं ले सका, तो चलें फिर कभी सही। और बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरी जो है वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे जो है अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।